किसी शादी में जाना हो और अचानक चेहरे पर निकल आए पिंपल तो क्या किया जाए? इस्पगोल, पानी, ग्रीन टी इस्तेमाल करें या सागुदाना, सिरका, पत्ती इस्तेमाल करें? सब कुछ तो हमने बताया इतनी सारी चीजें। वैसे तो टूथपेस्ट लगाना चाहिए जैसे फौरन से दाना निकले, नहीं वो कहते हैं ना वो थोड़ा सा टूथपेस्ट होता है, फिर अगर खाना है तो पेट को ठंडा करना है तो सागुदाना है या कोई भी ठंडी चीज, पानी। सागुदाना जो है पेट में जाएगा फिर पेट को सही तो करेगा। ये सारी चीजें इसमें लग जाएंगे 2 से 3 दिन। हाँ तो ये तो है। 2 से 3 शादी में जाते हुए कैसे होगा? मेरे लिहाज से तो कंसीलर से अच्छी चीज कोई भी नहीं। दाना नहीं चुपता बहन। कंसीलर लिया और लगा लिया। दाना नहीं चुपता कंसीलर से। मेरे ख्याल है ग्रीन टी पी ले। देखो फॉरन तो नहीं होगा। फॉरन तो कुछ भी नहीं होगा। टी बैग से कहते हैं लेकिन मैंने कभी अप्लाई किया नहीं तो मुझे आइडिया नहीं। अच्छा दोबारा से देखा, मैंने आपको 2 ऑप्शन भी दिए हैं। इतना एक साबुदाना बत्ती पे इतना जोर ना डालता आपने। इस्पगोल था और एक साबुदाना का था। मेरी तरह बिल्कुल सही कह रही है। सिरका अच्छा हो सकता है वैसे। इस्पगोल, पानी, ग्रीन टी का इस्तेमाल करे या साबुदाना, सिरका, पत्ती। ये क्या मिला के होगा क्या? हाँ कुछ चीजें लगाना है। लगाना ये सब मिला के लगाना है। ये तीनों, ये 2 अलग ऑप्शंस दिए हैं कि इस ये इसका मिक्सचर या इसका मैं ग्रीन टी वाला इस्तेमाल करूंगी। इस्बगोल, पानी, हाँ, और ग्रीन टी। ग्रीन टी और आप क्या करेंगे? इस्बगोल कभी लगा मुझे पता है लगाने पे तो नहीं होगा। इस्बगोल की लेते हैं मुझे सिरके की। सिरका वाला लग। अच्छा वैसे आप, तुम्हें दाना निकलता है, तुम पर्सनली क्या करती हो? मैं कुछ नहीं करती, छोड़ देती। मैं उसको हाथ भी लगाना छोड़ देती हूँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे वो वाला दाना होता है कि हाथ लगा के मैंने इधर उधर लगाया तो वो फैलता है। ये मेरे साथ हुआ है ना, एक पहले एक था खाली, यहाँ पे था। छोड़ दो, 2 दिन 4 हो गए मेरे, बैठ जाता। सबसे बेस्ट तो यही होता है हाथ ना लगाए, हाथ ठंडे पानी से मुंह धोते। बेस्ट है। आइस इज गुड, थोड़ा सा आपको इंस्टेंट हो, थोड़ा सा वो ठंडा पानी से मुंह धोले। अच्छा लेकिन जैसे ये टी ट्री वो होता है ना ऑयल, मैं तो घर में वो रखा हुआ। अच्छा। टी ट्री ऑयल जो है वो भी बड़ा अच्छा है अगर आप लगा के रात को छोड़ दें। और हम अपना देसी खुद बता रहे हैं। अच्छा फिर बढ़ता है उससे? हाँ, फिर सेफोरा का एक मैं ट्यूब लेकर आई थी जो इन इम्परफेक्शंस के लिए था, वो भी लगाए तो ड्रामा नहीं, दाना ड्राई हो जाता है तो वो छोटा हो जाता है, वो कंसीलर के काबू में आ जाता। अच्छा मैं क्या करती थी जब मेरे दाने निकलते थे ना इस तरह के, जब नया नया निकलता है तो वो थोड़ा सा पॉपराज हो रहा होता है ना, अंदर पक रहा होता है, लाल हो रहा होता है, मैं क्या करती थी मुल्तानी मिट्टी रखी रहती थी अपने पास। मुल्तानी मिट्टी, लीमू और गुलाब का अर्क से उसको थोड़ा सा पेस्ट बना के लगा दिया। अच्छा मैंने हल्दी और नींबू भी सुना है। हल्दी और नींबू की आप आइस क्यूब बना लेंगे, मैं करती थी, मुझे अभी बैठे बैठे याद आया। उसकी आप आइस क्यूब बना के रख लें, वो आपने निकाली, उससे हल्का सा मसाज किया, उससे काफी हद तक, क्योंकि एंटी इंफ्लेमेटरी होती है हल्दी, तो वो रेडनेस। हल्दी और नींबू। नींबू भाई देखिए आप सबसे छोटे हैं ना जी, आप लोग बहुत छोटे हैं अभी, तो हमारे हम जो बचपन में थे तो हमारी अम्मी पानदान से चूना लगा देती थी। ओ लो, एंटीसेप्टिक तो था ना उसी वक्त, जैसे ये हल्दी का बताया ना इसने। नहीं मैंने वो पुराने के दाने के मुंह पे ये लगाए चूना, वरना इधर उधर सब जगह जल जाएगी। नहीं नहीं पान खाने वाला जो होता है इतना तेज नहीं होता, सेफ है जिससे मुंह नहीं कटता। हाँ पक्का वाला। अच्छा आपने जवाब दिया सिरके वाला, आपने जवाब दिया ग्रीन टी वाला, हाँ, और आपने क्या चुना? मैंने इस्पगोल चुना था। और मुझे लग रहा है ये पीने वाला है, ये लगाने वाला नहीं है। नहीं मिक्स है ना ये सब। हाँ। अब हमारी जो टोटका वालियां हैं वो क्या जवाब देती हैं, ये सुनते हैं। अच्छा ऑथेंटिक यहाँ आएगा। अक्सर अवकात ऐसा होता है कि शादियां हो या दुल्हन के रिश्तेदार, कोई भी शादी में जाना उसी दिन चेहरे पे पिंपल साहब जो है ना तशरीफ़ ले आते हैं। परेशान नहीं हो, ऐसा अगर आपके साथ भी है तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इस्पगोल की भूसी को थोड़े से पानी में ब्लेंड करना है। इससे पहले कि वो पानी में फूले आप अपने एक्नी पिंपल पे लगाकर छोड़ दीजिए, 15 से 20 मिनट तक छोड़ दीजिए। उसके बाद चेहरे को ठंडे पानी से धोने के बाद ग्रीन टी उबाल कर छान कर ठंडा किया हुआ उसका स्प्रे कीजिए, तो उससे इंशाल्लाह आपके जो एक्नी या पिंपल हैं वो जो बहुत ज्यादा बुरे लग रहे होते हैं वो बैठ जाएंगे। और वैसे कितनी अच्छी टिप है, बहुत अच्छी टिप है। कभी बड़ा मसला होता है कि दाना निकल आया और शूट करनी है तो ये तो फौरन किया जा सकता है, और स्पेशली रमजान में आपका पानी वगैरह इंटेक कम हो जाता है, डीहाइड्रेट वगैरह खा रहे होते हैं
तो उसमें बड़े दाने निकलते हैं। हाँ, इसबगोल वैसे भी बहुत अच्छा बिल्कुल है, इसबगोल वैसे भी हाँ। इन्होंने तो लगाने का कहा है, इन्होंने कहा है पानी में भिगाए और जब वो बहुत नहीं फूले ऐसा हिलने जिले जैसा हो जाए वो पेस्ट हो जाए वो लगाए, और उसके बाद ग्रीन टी का उन्होंने स्प्रे करने को ठंडा किया। हाँ ठंडा।